क्लास फाइव, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ न्यू लेसन, लेसन नंबर सेवन, वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो व्हाट इज वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज व्हाट समवन और समथिंग डज. मींस इट शोज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. ओके, सेंटेंस में जब आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जो एक्शन करते हैं, ठीक है, उनके एक्शन को भी एक्सप्रेस करता है. एंड वर्ड्स एंड वर्ब बस मे बी इन वन वर्ड, ठीक है, ओनली वन एक्शन वर्ड वी कैन यूज़, या समटाइम्स देर आर मोर देन टू और थ्री वर्ड्स इन वर्ब. ठीक है, कभी कभी हम वर्ब में दो या तीन से ज़्यादा वर्ब हम यूज़ करते हैं. ठीक, एंड इट शोज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. दी एन अ वर्ड समवन और समथिंग डज, इट इंडिकेट्स द एक्शन, इवेंट और स्टेट. A verb is an essential part of the predicate of a sentence. आपने subject and predicate पढ़ा होगा. जैसे first example हम यहाँ लेते हैं, Anmol laughs a lot. Anmol बहुत हंसता है, ठीक है. तो पहले हम subject और predicate की बात करते हैं. तो इसमें subject मतलब क्या होता है, जो action कर रहा है. तो who is doing the action? Anmol. So Anmol is the subject and जहाँ से आपका वर्ब स्टार्ट होता है, फ्रॉम दैट पार्ट, वो पार्ट आपका पूरा कहलाता है प्रेडिकेट. ठीक है, तो प्रेडिक कहा गया है कि इस सेंटेंस में कि प्रेडिकेट इज द वर्ब इज द मेन पार्ट ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट. वर्ब जो है वो प्रेडिकेट का एक अहम हिस्सा है. ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. विदाउट वर्ब आपका सेंटेंस में सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट नहीं होगी. सो ईच सेंटेंस रिक्वायर्स अ वर्ब. हर सेंटेंस में एक क्रिया शब्द होना ज़रूरी होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका वर्ब क्या है? लाफ. लाफ इज एन एक्शन वर्ड, मतलब हंसना. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन हियर. द एप्पल इज रेड इन कलर. द एप्पल इज रेड इन इज रेड इन कलर. अब यहाँ पर देखो वर्ब क्या है. द एप्पल इज द वर्ब. ओके, I worked hard for my exams. मैंने अपने exams के लिए कड़ी मेहनत की. कड़ी मेहनत की, कड़ी मेहनत का क्या हो गया? Worked is the action word. So अने आपने काम किया, मेहनत, कड़ी मेहनत की. ठीक है, मेहनत वाला काम किया. तो worked आपका हो गया यहाँ पर verb. There are two kinds of verb, namely transitive verbs and intransitive verbs. जो आपने अभी एक्शन वर्ड्स पढ़े, आप छोटे क्लासेस में एक्शन वर्ड्स पढ़ते चले आ रहे हो कि अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स, अंडरलाइन द एक्शन वर्ड. वर्ब को एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं. वी कैन से वर्ब एज डूइंग वर्ड्स ऑल्सो. डूइंग वर्ड्स भी कहा जाता है. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज वर्ब कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. ठीक है, टू काइंड्स में इसको डिवाइड किया गया है, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. अब ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? द वर्ब्स दैट हैव अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट ऑन विच और फॉर द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स. मीन्स सेंटेंस में जो एक्शन हुआ है वो किस चीज़ पे हुआ है, कहाँ पर हुआ है, अगर वो चीज़ दी गई है तो वो आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है. ठीक है, डेफिनेट ऑब्जेक्ट होना चाहिए. अगर वर्ब का डेफिनेट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दिया गया है तो वो वर्ब आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं. दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि उस जो एक्शन वर्ड दिया गया है उस एक्शन का रिसीवर कौन है, किसने वो एक्शन रिसीव किया. ठीक है, किस पे वो एक्शन हुआ. फॉर एग्जांपल, कनिका इज पेंटिंग द फेंस ऑफ द पार्क. अब कनिका यहाँ पर सब्जेक्ट है. कनिका क्या एक्शन कर रही है? पेंटिंग करने का. किस पे कर रही है, क्या पेंटिंग कर रही है? फेंस ऑफ द पार्क. सो हियर द डेफिनेट ऑब्जेक्ट इज गिवन फेंस ऑफ द पार्क. पार्क की फेंस पे वो पेंटिंग कर रही है. मतलब फेंस मतलब समझ लो जैसे आपके घेरे नहीं बनाए जाते हैं, उसको हम लोग फेंस कहते हैं. ठीक है, तो फेंस पे पेंटिंग कर रही है. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है. दैट मीन्स ये पेंटिंग एक्शन वर्ड, दिस इज एन इनट्रांसिट, दिस इज अ ट्रांसिटिव वर्ब. ठीक है, Similarly, second example, my brother sang a song. Here the verb is sang. Now here, which word is the action of the receiver? ठीक है, receiver of the action. कौन सा word यहाँ पर action receive कर रहा है? Song. क्या गाया गया? गाना गाया गया. ठीक है, किसने गाया वो तो subject है. ठीक है, लेकिन किस क्या गाया गया? Song गाया गया. तो sang is the transitive verb. Raj has done his work. Raj ने काम किया, action किया. किस पे किया? वर्क.
काम किया उसने, ठीक है, वर्क किया. तो डन और वर्क इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन वर्ड डन. सो वर्क इज हियर द वर्क इज माने ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो ये आपका डन जो है दैट इज द ट्रांजिटिव वर्ब. तो जिन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट्स दिए रहते हैं वो वर्ब आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं. इन द अबव सेंटेंसेस द कलर्ड वर्ड्स पेंटिंग सैंग एंड डन हैव ऑब्जेक्ट्स लाइक द फेंस, फेंस मैंने बताया, सॉन्ग एंड हिज वर्क, ठीक है, रेस्पेक्टिवली. ये सारे इनके ऑब्जेक्ट्स थे. सो दीज वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स. नेक्स्ट इट इज काइंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब. The verbs that show an action but there is no specific object on which the action is being done are called intransitive verb. Means verb दिया रहेगा, action word दिया रहेगा, लेकिन वो action किस पे किया गया है ये चीज़ें नहीं दी रहेंगी, ठीक है. तो वो verbs आपके intransitive verbs कहलाएंगे. Those verbs are known as intransitive verbs. Like you have read the example here, Kanika is painting the fence of the park. यहाँ पर पेंटिंग किस पे की गई, फेंस पे की गई. तो अब देखो यहाँ पर दिया क्या है, क्या कनिका इज पेंटिंग राइट नाउ, कनिका अभी पेंटिंग कर रही है, किस पे कर रही है, कहाँ कर रही है, नहीं पता, यू डोंट नो. तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब ये पेंटिंग आपका हो गया, इस पेंटिंग आपका हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब. माई ब्रदर सैंग, यहाँ पर देखो क्या दिया था, माई ब्रदर सैंग अ सॉन्ग, मेरे भाई ने गाना गाया. सॉन्ग, सॉन्ग इज द ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट मीन्स ये सैंग आपका हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब. माने जिन वर्ब्स के साथ कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं दिए रहते हैं दोज वर्ब्स आर नोन एज इंट्रांसिटिव वर्ब. राज हैज डन, माने एक्शन वर्ड्स दिए रहेंगे लेकिन उनके ऑब्जेक्ट्स नहीं दिए रहेंगे, ये नहीं बताया जाएगा कि वो एक्शन किस पे अप्लाई किया गया है. राज हैज डन, राज ने किया, क्या किया, कोई काम किया ना, क्या किया, कुछ नहीं दिया गया, दैट मीन्स दिस डन इज इंट्रांसिटिव वर्ब. In the above sentences, the colored verbs painting, sang and done do not have objects. So these are called intransitive verbs. So this is the kind of verb transitive and intransitive. Okay. Now next we will study about some auxiliary verbs. Auxiliary verbs मतलब होता है helping verb. Auxiliary verbs are mainly used with the main verb. जैसे आप लोग पढ़ते हो is dancing, ठीक है. तो यहाँ पर देखो इज डांसिंग, अब इज यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है एंड डांसिंग आपका मेन वर्ब है, ठीक है. इज आपका ऑक्सिलरी वर्ब है एंड डांसिंग आपका मेन वर्ब है. वर्ब को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब. कभी कभी ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स यहाँ पढ़ेंगे, जैसे आपका इज हो गया, एम है, आर है, वॉज है, वर है, हैज है, हैव है, शैल है, विल है. Sometimes these verbs also act as a main verb. Sentence में main verb की तरह भी आते हैं, मतलब इनके साथ कोई दूसरा verb नहीं रहता है, ठीक है. लेकिन कभी कभी इनके साथ maximum time sentences में आप देखोगे कि इनके साथ आपके और भी verb दिए रहते हैं, तो वो verb आपके main हो जाएंगे और ये बन जाएंगे auxiliary verbs. इन्हें हिंदी में कह सकते हैं सहायक क्रिया, और मेन वर्ब का होता है मुख्य क्रिया. ओके, नाउ मेन वर्ब्स, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए, आर द हेल्पिंग वर्ब्स. अब मेन वर्ब्स क्या होते हैं, ऑल द वर्ब्स अदर देन ऑक्सिलरी वर्ब्स आर मेन वर्ब्स. इनको छोड़कर बाकी जितने भी आपके एक्शन वर्ड्स हैं वो आपके मेन वर्ब होते हैं. मेन वर्ब को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब्स. अब रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं एंड इररेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं. रेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स हुज सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल आर फाउंड बाई एडिंग डी और ई डी. ये चार्ट यहाँ पर दिया गया है बेटा, इसको आप लोग जब पढ़ेंगे तो ये होते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है. डिफरेंट फॉर्म, फोर फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं. एक होता है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा होता है सिंपल पास्ट, तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक फॉर्म और होता है जो इसमें नहीं अभी दिया गया है, वो होता है आई एन जी फॉर्म, ठीक है. जैसे आपका प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, इस तरह से आपके फोर फॉर्म्स होते हैं वर्ब के. तो जिन वर्ब्स के सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेम होते हैं, ठीक है, और डी आई ई डी लगा के बनाए जाते हैं. जैसे देखो प्ले का यहाँ पर सिंपल पास्ट हो गया प्लेड, पास्ट पार्टिसिपल हो गया भी प्लेड,
अब देखो प्लेड और प्लेट आर बोथ सेम, ठीक है, दोनों बराबर हैं. एग्रीड एग्रीड, आस्क्ड आस्क्ड, बेग्ड बेग्ड. तो जिनके सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम होते हैं जिन वर्ब्स के, वो वर्ब्स आपके रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं, रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं. ठीक है, अब देखो नीचे यहाँ पर दिया गया है कि इररेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं. इररेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स हूज सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स आर फॉर्म्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज. जैसे अराइज, तो सिंपल पास्ट अरोज, पास्ट पार्टिसिपल अराइजन, मतलब फॉर्म चेंज हो जाता है. ठीक है, अवोक अवेक अवोकन. ठीक है, बियर बोर बॉर्न, बी वॉज बीन, बीट बीट बीटन, बिगिन बिगैन बिगन, बिट बाइट बिट बिटन. तो द फॉर्म्स आर चेंज इन वैरायटी वेज. ठीक है, अलग अलग तरीके से बदल दिया गया है. तो ऐसे जो वर्ब्स होते हैं दे आर इररेगुलर वर्ब्स. ठीक है, ये आपके इररेगुलर वर्ब्स होते हैं. तो ध्यान रखिएगा, जिनका सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम होता है वो रेगुलर वर्ब्स, और जिनके सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल अलग अलग होते हैं वो आपके इररेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं. सो इन दिस लेसन आपने पढ़ा कि वर्ब क्या होता है, फिर वर्ब को टू काइंड्स में डिवाइड किया गया, ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव, देन आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, मेन वर्ब्स क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं. मेन वर्ब्स को फिर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, रेगुलर इररेगुलर, वो भी आपको मैंने बताया कि वो चीज़ें क्या होती हैं. ये जो चार्ट यहाँ पर दिया गया है इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा. ठीक है, ये चार्ट यहाँ पर सब दिए गए हैं, इसको रीड कर लीजिएगा. तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर आई थिंक फिनिश हो गया. यस, अब जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं, आई विल सेंड यू द एक्सरसाइज. ओके, थैंक यू चिल्ड्रेन.